जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दिस इज आरश्री सोलंकी और आज हम देखेंगे कि आर्मी को सिविल टास्क में इन्वॉल्व करना चाहिए या नहीं। तो हम दोनों चीज़ देखेंगे कि हाँ इन्वॉल्व करना चाहिए, दूसरा कि नहीं इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, और उन दोनों के हिसाब से जो आपको लग रहा है आप उस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ ओके टू इन्वॉल्व आर्मी इन सिविल टास्क। पहले ही देख लेते कि हाँ कुछ भी सिविल रिलेटेड चीज़ें हों तो पुलिस के साथ हम आर्मी भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। आर्मी जो है एफिशिएंट है, अनइंटरप्टेड फंक्शनिंग चलती है उसकी, बहुत डिसिप्लिन होते हैं आर्मी के लोग, ठीक है। आर्मी विद इट्स लार्ज पूल ऑफ हाईली डिसिप्लिन एंड ट्रेन मैन पावर इज ऑफन समंड टू रन दीज एसेंशियल सर्विसेज। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन पुलिस से हैंडल नहीं होती, तब आर्मी को बुलाया जाता है, ठीक है। व्हाई आर्मी या डिफेंस पर्सनल्स आर कॉल्ड, बिकॉज दे आर हाईली डिसिप्लिन, हाईली ट्रेन्ड, हाईली इफेक्टिव, हाईली एफिशिएंट, है ना। कोई अगर चीज़ किसी से नहीं संभल रही वो इन लोगों से संभलती है। आर्मी इज ऑफन आस्क्ड टू रन द अफेक्टेड सर्विस इन द ऑर्डर टू प्रिवेंट स्ट्राइकिंग वर्कर्स, ठीक है। तो ऐसी जब सिचुएशन आ जाती है किसी भी सिटी में कि कोई भी पुलिस फोर्स हैंडल नहीं कर पा रहा है, देन आर्मी कम्स इन द पिक्चर। मैनी एक्सपर्ट्स फील दैट थ्रू सिविक एक्शन द आर्मी एक्ट एज एन एजेंट ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, और दिस इज एन नॉर्मल माइंड सेट एज वेल। पीपल डू नॉट रिस्पेक्ट पुलिस एज मच एज पीपल रिस्पेक्ट आर्मी पीपल, ठीक है। सिंस इंडिपेंडेंस इट हैज़ बीन मेकिंग एन एनॉर्मस कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आर्मी के लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है हर चीज़ में। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिसिप्लिन इंटेग्रिटी ऑफ द आर्मी पर्सनल। इंडियन आर्मी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है नेशन बिल्डिंग में, लोगों को यूनाइट करने में, ठीक है। सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है आर्मी का, ऑफकोर्स उसी पे तो सब कुछ टिका हुआ है। ईच एंड एवरी आर्मी पर्सन इज ट्रेन्ड एंड मोल्डेड विद अटमोस्ट पेट्रियोटिज्म। तो देशभक्ति की जो भावना होती है वो उनमें हमेशा से होती है, इसी भावना के चलते वो हर चीज़ अच्छे से हैंडल करते हैं। तो अगर कभी कोई सिविल टास्क हम इन्वॉल्व करना चाहें तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम आर्मी लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। नाउ कि हमें क्यों इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ऑल द गुड पॉइंट्स वी हैव हर्ड, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, सब कुछ है, बिल्कुल सही बात है। बट क्यों इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, हम वो पॉइंट देखते हैं। आर्मी को इन्वॉल्व इसलिए नहीं करना चाहिए सिविल टास्क में क्योंकि दे हेल्प द इंडियन मिलिट्री टू अचीव अ हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म। अब ये काम पुलिस का है, तो रैदर देन इन्वॉल्विंग इंडियन आर्मी इनटू सिविल टास्क, व्हाट वी कैन डू, हम पुलिस को अच्छे से ट्रेनिंग दे सकते हैं, आर्मी लेवल ट्रेनिंग दे सकते हैं, सो दैट उनमें डिसिप्लिन और इंटेग्रिटी आ जाए, है ना। उनमें इंटेग्रिटी नहीं है इस कारण हम किसी और का काम क्यों बढ़ाएं, उनका काम अलग है। उनके काम है इंडियन मिलिट्री को चेक में रखना, पॉलिसी मेकर्स, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, मिलिट्री लीडर्स ऑफ डेवलपिंग नेशन फियर दैट अंडरटेकिंग नॉन मिलिट्री फंक्शंस, है ना। तो उससे क्या होगा, अब ये सारी चीज़ें क्यों बोली गई, देखिए आप, पॉलिसी मेकर का काम है पॉलिसी बनाना, ठीक है, साइंटिस्ट का काम है टू रिसर्च समथिंग रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजिस्ट का काम है टू डेवलप द सोसाइटी एंड फाइंड द फंक्शनिंग ऑफ इट। अब उसके बाद अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें मिलिट्री पर्सनल्स को सिविल उसमें इन्वॉल्व करेंगे तो दैट विल बी टोटली कॉन्ट्राडिक्ट्री, दे हैव अदर वर्क ऑफ देयर ओन। इंडियन आर्मी इज ऑलरेडी बिजी डीलिंग विद वेरियस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स। नाउ यू सी कि डेली कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बॉर्डर इशू चल रहे हैं, इफ़ इट इज़ इन लद्दाख और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान साइड या अफगानिस्तान बॉर्डर पे, चाइना पे। सो दीज थिंग्स आर मेंट टू बी डेल्ट बाई इंडियन आर्मी, है ना। सिविल थिंग्स आर नॉट मेंट टू बी डेल्ट बाई इंडियन आर्मी, दे ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ वर्क लोड, लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ अदर टास्क। तो हम उनको इन्वॉल्व करने से बेटर है जो ऑलरेडी लोग रिस्पॉन्सिबल, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है सिविल अच्छे से मेंटेन करने के लिए, दैट इज पुलिस। तो हम पुलिस की अच्छे से ट्रेनिंग कर सकते हैं, है ना। इन सब के अलावा द इंडियन आर्मी एंड द मिलिट्री इज ऑल्सो प्रेशराइज्ड, हैज ऑल्सो वन वर्क ऑफ यूएन पीस कीपिंग मिशन ज्वाइन करने का। यू माइट हैव नोन कि वुमेन की यूएन की पीस कीपिंग गई थी सूडान में, लाइक दीज पीस कीपिंग मिशन जो है हमारे इंडियन आर्मी से जाते रहते हैं। तो ये सारी ड्यूटीज उनके पास ऑलरेडी है, जस्ट बिकॉज पुलिस इज नॉट वर्किंग वेल हम इनको भी सिविल मैटर्स में इन्वॉल्व करें, दैट इज नॉट राइट। तो ये दोनों चीज़ें हैं, स्टिल इफ़ यू फील कि इन्वॉल्व करना चाहिए यू कैन से, अकॉर्डिंग टू मी अ वेल बैलेंस्ड लेक्चरेट इज़ लाइक दैट, कि आप पहले बोलो कि क्या क्या सही चीज़ें हैं, पॉजिटिव में बोल दिया, फिर उसके बाद आप एक्चुअली प्रेजेंट करो कि उनका सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड दे हैव टू कैरी आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी एड ऑन करना सही चीज़ नहीं है, उसके बजाय हम जो पुलिस है उनको अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। तो दैट इज़ हाउ यू हैव टू डिलीवर दिस लेक्चर, एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आर चैनल। टिल देन keep watching. Jai Hind.